वाहेगुरु जी बहुत सोहने दर्शन होए ने मौली साहब के धन धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज कृपा करन सारियां ते। संगत जी हुण बावली साहब दर्शन करन तो बाद हुण असीं जा रहे हैं दूध वाला खूह हैगा इत्थे उत्थे जाके दर्शन करांगे ते आप जी नूं भी दर्शन करांगे। चलो जी इतिहास गुरुद्वारा दूध वाला खूह। संगत जी श्री गुरु नानक देव जी इस पावन स्थान ते तीसरी उदासी दे समय भाई बाला जी ते भाई मरदाना जी दे नाल आए। भाई मरदाना जी ने भुख लगन ते दुध पीण दी इच्छा जाहिर कीती ते गुरु जी ने कहा कि आपां सिद्ध जोगियां दे परौणे हाँ इन्हां कोलों दुध मंग लो। जदों भाई मरदाना जी ने सिद्ध जोगियां पास दुध मंगण गए तां उन्हां ने कहा कि जे तेरा गुरु समर्थ है तां उन्हां पासों दुध दी मंग करो। भाई मरदाना जी ने गुरु जी नूं कहा कि सिद्ध जोगियां ने दुध देण तों मना कर दिता है। गुरु जी ने भाई मरदाना जी नूं कहा ऐ गड़वा लै के इस खूह विचों दुध कढ के आप भी छको ते सिद्ध जोगियां नूं भी छकाओ। सतगुर जी का बचन मन के भाई मरदाना जी ने गड़वा दुध का खूह विचों भर के आप भी छकिया ते सिद्ध जोगियां नूं भी छकाया। वाहेगुरु जी की फतेह। आज संगतां देश विदेश तो आकर इस स्थान के दर्शन करके इतिहासिक खूह का अमृत छक कर दुख दर्द दूर कर हर प्रकार दियां मनोकामना अते दुध पुत दी झोलियां फरदियां हन। संगत जी ऐसी इतिहास गुरुद्वारा दुध वाला खूह। संगत जी हुण छेवीं पातशाही गुरुद्वारा है रास्ते दर्शन करने वास्ते जावांगे। संगत नाल यात्रा करन दा आनंद ही कुछ होर हुंदा। महाराज इसी तरह मेर भरा सारी संगत ने बनाई रखे। संगत जी तुसी भी जे कदे इन फ्यूचर इत्थे आंदे हो ते तुसी ई रिक्शा करके नानक मत्ता साहब दे आस पास दे जिन्ने भी गुरुद्वारा साहब ने दर्शन कर सकते हो। गुरुद्वारा छेवीं पातशाही संगत आ गई सारिया। इतिहास गुरुद्वारा छेवीं पातशाही जी। संगत जी तुसी दर्शन कर रहे हो गुरुद्वारा छेवीं पातशाही। ऐ स्थान गुरुद्वारा नानक मत्ता साहिब दे नेड़े ही पैंदा है। साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी सिद्धां दा सुधार करन पिछे इस स्थान तो जोड़े ते घोड़े सजा के राजा बाज बहादुर दी फरियाद प्रवान करके उसकी रियासत पीलीभीत नूं संगत समेत चले गए सन। धन गुरु नानक देव साहब जी का गुरुद्वारा श्री नानक मत्ता साहिब गुरु दे महलां दे अजब नज़ारे। अज असीं आप पहुँचे हाँ उत्तराखंड विच स्थित गुरुद्वारा नानक मत्ता साहिब। किसी टाइम इस स्थान नूं गोरख मते दे नां तों जाणिया जांदा सी पर जदों गुरु नानक देव जी ने इत्थे अपने चरण पाए तां इस स्थान नूं गुरुद्वारा नानक मत्ता दे नां तों जाणिया जांदा है। आओ संगत जी आप जी नूं दर्शन कराइए। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। कड़ा प्रसाद लैन चलते वाहेगुरु जी। वाहे गुरु नानक देव।
गुरुद्वारा नानक मता साहिब। वाहेगुरू वाहेगुरू। अजी बारिश में बूंद भी पै गई है, बिजली खड़क रही है। पेड़ साहब इतिहासिक पेड़ है जिसे आप दर्शन कर रहे हो। संगत जी दर्शन करो पेड़ का। वाहेगुरु जी खालसा वाहेगुरु जो साहब जी। संगत जी बारिश भी शुरू हो गई है ते जिहड़ा पिपल साहिब दा जिहड़ा इतिहास हैगा है सवेरे दर्शन वास्ते जदों आवांगे तां आप जी नाल सांझा करांगे। इह सपोर्टां दित्तियां होईयां ने। संगत जी दर्शन करो गुरुद्वारा नानक मते साहिब। वाहेगुरू वाहेगुरु जी। संगत जी बहुत सोहने दर्शन दिदारे हुए ने गुरुद्वारा साहब के बाहर निकलिया तो मौसम देखो कितना सोहना बन गया। बारिश आने वाली है। संगत जी यह जी यात्रा सानू करा रहे हैं भाई साहब है भाई साहब अपना नाम दसो। वाहेगुरु खालसा वाहेगुरु फतेह। यह साडे ड्राइवर साहब है पायलट है ना राजेश पंडित जी है राजेश जी है चल के आए हैं गुरुद्वारे करान लगे हैं। लंगर हॉल गुरुद्वारा नानक मता साहिब। सतगुरु की सेवा सफल है। वाहेगुरु वाहेगुरु। सतगुरु नानक देव साहिब जी सतगुरु की सेवा सफल है। वाहेगुरु जी धन गुरु नानक। बर्तन साफ करने का स्थान है। बहुत वड्डे एरिया बनया पे लंगर हॉल। विचार करते हैं गुरबाणी पढ़ते हैं। संगत जी तुसी दर्शन कर रहे हो पिपल साहिब जी दे। ऐ पिपल साहिब श्री गुरु नानक देव जी अते श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी दी चरण छो प्राप्त रहमतां दा प्रतीक है। तीसरी उदासी समय श्री गुरु नानक देव जी जदों इस स्थान ते पहुँचे तां ऐ पिपल दा दरखत सुकिया होया सी। श्री गुरु नानक देव जी दी चरण छो प्राप्त ऐ पिपल हरा परा हो गया। गुरु जी दा ऐ अलौकिक चमत्कार सिद्ध जोगियां नूं रास नहीं आया ते सिद्ध जोगियां ने अपनी योग शक्ति नाल पिपल दे दरखत नूं हवा विच उड़ा दिता। तां गुरु जी ने अपने पवित्र हत्थां दे पंजे नाल पिपल दे दरखत नूं
जमीन तो तकरीबन 5-6 फुट उपर हवा विच ही रोक दिता। श्री गुरु नानक देव जी दे इत्थों चले जाण तों बाद बाबा अलमस्त जी ने इत्थे दी सेवा संभाली ते सिद्ध जोगिया ने इत्थे दोबारा आके बाबा अलमस्त जी नाल जोर जबरी कर अपनी योग शक्ति नाल पिप्पल दे दरखत नूं जला दिता। उस समय गुरु नानक देव जी दी 6वीं जोत श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी विराजमान सन। बाबा अलमस्त जी ने गुरु जी दे चरणा विच हाथ जोड़ के प्रार्थना कीती ते गुरु जी ने अरदास प्रवान कर कुछ सिखां नूं नाल लैके श्री अमृतसर साहिब तों इत्थे पहुँचे। गुरु जी दा संत सिपाही रूप देख के सिद्ध डर के भज गए ते गुरु जी ने जल अंदर केसर पा के उस जल दे छिट्टे पिप्पल उत्ते मारे। गुरु जी दी कृपा नाल पिप्पल फिर तू हरिया भरिया हो गया। संगत जी हुण दर्शन कर लिते ने असी गुरुद्वारा नानक मत्ता साहिब ते हुण बस भी रेडी है ते चलदे आ हुण गुरुद्वारा रीठा साहिब वाल। बड़ी तैयारी है जी, बर्फ पाई जा रही है, संगतां बैठ रही ने। ताजी जी तैयारी है, चलो आ जाओ जी। सारी तैयारी आ जाओ जी, आ जाओ आ जाओ। ਰਾਤੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਲ ਭਰਾਓ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਉਹਦਾ ਜਲ ਭਰਾ ਸਰੋਵਰ ਭਰ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਡੈਮ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਾਣੀ ਪੀ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਲ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਲਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਰੀਠਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਗੇ ਗੱਡੀ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਬਸ ਬਾਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾਏਗੀ। ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜੋ ਜੋ ਆਪਣੀ ਗਾੜੀਆਂ ਸੇ ਆਏ ਹੈ। थोड़ी परेशानी आ गई है, गड़ियां खड़िया हो गई ने, संगत थले उतर चुकी है, अगे रस्ता ठीक ना होने करके गड़िया रोक दी गई ने। गड्डी साड़ी वड्डी हैगी है ते इत्थे छोटी गड्डी 22 सीटर या 27 सीटर अलाउड हैगी। गड्डी दी परमिशन कैंसिल हो गई है जी, मिली नहीं है, अगे गड्डी नहीं जाएगी हुण। इत्थे छोटी गड्डियां कर करके अपना अपना जिस तरह भी संगत रीठा तक पहुंचेगी। रास्ते बंद है, सेवा चल रही है जी। चार रेडी हो गई है, बलैरो गड़ियां तैयार हो रही ने, इहदे विच एडजस्टमेंट करनी पेगी सारी संगत नूं। रास्ते बंद होने करके सारी संगत नूं बहुत परेशानी आ रही है, लेकिन फिर भी हुण गड़ियां दा अरेंजमेंट हो गया ते हुण संगत सारी तैयार है चलण वास्ते। छोटी गड्डियां जी बलैरो सारी रेडी है ने, वाहेगुरु कृपा करे ते संगत जी आप लोग भी अरदास करने के सुख शांति नाल दर्शन मिले करके आइए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। गुरुद्वारा श्री रीठा साहिब जिला पंचावत उत्तराखंड।